तेज रफ्तार काली ओडी कार से डीआईजी के बेटे सहित दो युवकों को टक्कर मारकर घायल करने वाले आरोपी चालक को सूरजपोल थाना पुलिस ने पकड़ लिया है। थानाधिकारी सुनील चारण ने बताया कि रमेश लोहार पिता बेरुला लोहार निवासी एकलिंगपुरा को पाली जिले के पास से दस्तयाब किया है। रमेश ही घटना के वक्त ओडी गाड़ी चला रहा था। थानाधिकारी ने बताया कि ओडी कार उपली ओडन निवासी नारायण लाल लोहार के नाम पर है, जिससे आरोपी रमेश ने कार मांगकर चलाने के लिए ली थी। दुर्घटना के बाद आरोपी कार को सवीना थाना क्षेत्र के रानी बावड़ी में अपने रिश्तेदार के यहाँ खड़ी करके फरार हो गया था। रमेश फर्नीचर का काम करता है। पुलिस उसकी मोबाइल लोकेशन से ट्रेस करते हुए आरोपी तक पहुंची। एक दिन पहले ही पुलिस ने कार को जब्त किया था। थानाधिकारी ने बताया कि मामले में आरोपी से और भी पूछताछ की जा रही है।